हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पिरामिड इन्वेस्टमेंट्स टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट द पिरास्टमेंट टूडेट्स प्लेटफॉर्म यस बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि कैसा प्लेटफॉर्म आईसीआईसी डायरेक्ट का जो हम एमटीएफ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स एंड उसके अंदर हम एक स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम उसका यूज कर सकते हैं तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर अबाउट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द आईसीआईसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तो हियर द लॉग इन ऑलरेडी आई लॉग इन आईसीआईसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म ओके फ्रेंड्स कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है आपको यूज करनी चाहिए और कौन से कौन से, से जो आपको एम टी एफ ट्रेनिंग के लिए आईसीआईसी डायरेक्ट प्रोवाइड करता है yes यस तो इन इन दिस वीडियो वी गोइंग टू कवर ऑल दोस थिंग्स डिटेल सो लास्ट तक बने रहना एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब हमारी चैनल को नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर लेते हैं एमटीएफ एमटीएफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या है? मींस मार्जिन मतलब कि जब भी आप डिलीवरी में बाई करते हो तो आपको, करते आप करते तो आपको कोई भी टाइप का मार्जिन नहीं मिलता है yes, uh, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दू लेटेस्ट से आपको टीसीएस का ट्रेड लेना है okay, तो TCS, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ okay, okay, तो जैसे आप टीसीएस लिखोगे न गेट दिस टी सी एस ओके तो हियर द टी सी एस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड करंट प्राइस इज द थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड और आपको हंड्रेड क्वांटिटी लेटेस्ट से बाय करनी ओके okay? तो so, अगर आप यही चीज डिलीवरी में बाय करते हो तो यू कैन यू नो पे थ्री लैक्स एटी फोर थाउजेंड आपके अकाउंट में से कट हो जाएगा राइट right? बट जब आप ये चीज एम में बाय करते हो तो यू हैव टू पे ओनली 96,000 एंड रिमेनिंग जो टू लैक्स एटी है वो आई से डायरेक्ट फंडिंग करेगा ओके फ्रेंड्स एंड उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट पे करना है दैट इज नाइन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंटेज पर एन ओके okay फ्रेंड्स अगर आप इसको एक साल तक तो होल्ड करते हो देन ओनली दिस मच ऑफ इंटरेस्ट इट विल बी कट फ्रॉम योर अकाउंट बट आप अगर इसको ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज कर रहे हो तो जितने दिन होल्ड करोगे उतने दिन का ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो 9.69 परसेंटेज डिवाइड बाय 365 डेज करोगे तो इट्स क्लोजली अराउंड जीरो परसेंटेज तो ईजी को अगर इसको ईजी वे से अंडरस्टैंड करना है तो इंटरेस्ट एज लो एज ट्वेंटी सेवन रुपीज पर डे ऑन वन लैक्स इज चार्ज ऑन फंडेड अमाउंट तो जो फंड आप ऐसे डायरेक्ट फंडिंग करता है अगर वो वन लैक्स रुपीज है लेटेस्ट से इसके इसकी जगह पे तो आपको डेली का ट्वेंटी सेवन रुपीज पे करना अगर आप मैथमेटिकली सिंपल वे से अंडरस्टैंड होप यू अंडरस्टैंड ओके फ्रेंड Uh, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एम टी एफ ट्रेडिंग uh, में आपको मार्जिन लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो आपका जो साइकोलॉजिकल uh, प्रोसेस है ट्रेडिंग का दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो वन डे फाइव डेज वन मंथ और मैक्सिमम टू मंथ तक आप उसको होल्ड करते हो और आपको एक अच्छा स्विंग मिल गया है लेटर फाइव परसेंटेज और टेन परसेंट और फिफ्टीन परसेंटेज का तो आप उसको सेल कर देते हो यू आर नॉट प्लानिंग टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट

आपको प्राइम प्लान सिलेक्ट करना आवश्यक है बिकॉज प्राइम प्लान में ही आपको 9.69 परसेंटेज इंटरेस्ट पे किया जाता है जो फोर ट्रिपल नाइन का लाइफ टाइम प्लान है जो आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से अगर आपको एम ट्रेडिंग करना है अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैंने नीचे अपना व्हाट्सप नंबर भी दिया हुआ है वहाँ पे जाकर आप हाई कीजिए वी कैन गाइड टू एग्जैक्ट वे हाउ यू कैन डू दिस एम टी एफ ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट ओपन करने के लिए फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां पे जाकर आप डिमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और व्हाट्सअप करके हेल्प भी ले सकते हो ओके फ्रेंड्स एंड नाउ जम्प्स टू दी एफ का बैकग्राउंड हो गया ऑफकोर्स दिस इज यूटिलाईज फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एज वेल गोइंग टू डिस्कस ऑल दो हियर आई ऑलरेडी लॉग इन अकाउंट ओके एंड देर इज यू नीड टू क्लिक ऑन स्टॉक्स ओके तो जब भी आप स्टॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे वॉचलिस्ट स्पेशली फॉर द परपज से लोडिंग ओके सो जब भी आप वॉच लिस्ट पे क्लिक कर रहे हो ओके okay? तो वॉच लिस्ट में आपको आप अपना वॉच लिस्ट एक डिजाइन कर सकते हो ओके okay? और उसके अंदर से आप ट्रेड को बाय सेल यहाँ से कर सकते हो जब भी आपको कोई ट्रेड बाय करना है या सेल करना है तो यहाँ आप लिस्ट से डायरेक्टली कर सकते हो ओके okay? यहाँ पे आपको चार्ट भी देखने को मिलेगा ओके okay? तो चार्ट एंड वॉच लिस्ट आर देयर ओके एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स प्लेस ऑर्डर जब भी आप प्लेस ऑर्डर का यूटिलाइज करते हो राइट right? तो प्लेस ऑर्डर में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं तो लोगों के माइंड में एक क्वेरी रहता है कि क्या फंड वो हमारे फिजिकली या फिर आपके अकाउंट में दिखेगा तो ये सारी चीजें नहीं है यहाँ पे बहुत इजी वे से पूरा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हुआ है आईसीआईसी डायरेक्ट ने तो जब आप एम ट्रेड सिलेक्शन करते हो राइट right, तो वहां पे बाई डिफॉल्ट वो शेयर का मार्जिन आपको प्रोवाइड किया जाता है लेटर्स से यहाँ पे अगेन आई राइट दीसीएस यूजफुल आई टेक वन एग्जाम्पल दंड्रेड क्वांटिटी अगर आप बाय करते होके सो okay, so यहाँ पे प्राइस आ गया ओके okay? एंड द लिमिट प्राइज लेट सिलेक्ट द मार्केट प्राइज ओके तो यहाँ पे आपको दिख गया है देखो रिक्वायर्ड uh, मार्जिन और मैं बाय पे क्लिक करूँ तो आपको exactly पता चलेगा क्या इसके अंदर पूरा डिटेल में इन लोगों ने समझाया हुआ है ओके okay? तो so, जो थ्री लैक्स एटी फोर थाउजेंड जो कैपिटल टोटल जो ट्रेड साइज है लेकिन आपको उसमें से ट्वेंटी फाइव परसेंटेज ही मार्जिन प्रोवाइड करना है तो so, यहाँ पे आपको लिख रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑनली नाइनटी सिक्स थाउजेंड तो यहाँ पे जो हमने अभी देखा ओके okay, तो उस हिसाब से 96,85 सिक्स थाउजेंड एटी फाइव रुपीज बनता है तो वो सेम अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये आप ऑर्डर बाय कर सकते हो ओके एंड जस्ट इट्स इट्स रिक्वायर्ड यू नो लेस देन वन मिनट्स एंड यहाँ पे आपको uh, पूरा डिटेल में डेट वगैरह भी आपको लिखा हुआ है ओके okay? तो आप ये सारी चीजें है वो Uh, यहाँ से प्लेस ऑर्डर में जाके आप यूटिलाइज कर सकते हो जैसे ही प्रोसेस करोगे तो ऑर्डर uh, एग्जीक्यूट हो जाएगा ओके सो दिस इज व्हाट द यू नो सिंपल प्रोसेस ऑफ द एमटीएफ ट्रेडिंग बाइंग यू नो अभी आपके माइंड में एक और भी क्वेश्चन होगा कि उसको सेल किया किया कैसे है, जाते हैं आपको कोर्स उससे पहले यहां पे आप देखते हो तो डिलीवरी ऑर्डर भी आप बाय कर सकते हो बीटीएसटी uh, ऑर्डर भी आ, आप बाय कर सकते हो ओके okay, फ्रेंड्स तो ये सारे जो ऑर्डर है उनका आप यूटिलाइज इंट्राडे ऑर्डर है ब्रेकेट ऑर्डर है जी ऑर्डर है स्टॉक की अगर आपको एस ऑन करनी है तो आप डायरेक्टली यहां से एस भी ऑन कर सकते हो तो ये सारे ऑर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स एंड आप यूज कर सकते हो अफकोर्स आई सी डायरेक्ट का जो एप्लीकेशन है आईसीआईसी डायरेक्ट मार्केट है इसके अंदर बहुत सिंपल वे से आप इसको बाय सेल कर सकते हो विद इन यू नो विद इन लेस देन वन सेकेंड्स में सॉरी विद इन फाइव सेकेंड्स में आप इनको अः बाय और सेल कर सकते हो यहाँ पे आपको स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा जो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बाय करके आपको एम चूज करना है उसके बाद आपको सिंपल वे से आ, आप आ, बाई कर सकते हो ओके okay फ्रेंड्स अभी जो सेलिंग वाला पोर्शन है तो यहाँ पे ओपन पोजीशन में आपको जाना है उसमें एम पे सिलेक्ट करना है अभी कोई एम टी एफ फैसिलिटी नहीं है ओके okay फ्रेंड्स तो जब आप बाय करोगे तो यहाँ पे आपको ओपन पोजीशन दिखेगा ओके okay. और वहां पे जाके आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो जब भी, भी आपको सेल करना है तो ओपन पोजिशन में से ही सेल करना है ओके फ्रेंड्स दैट इज टू बी कंपलशन इन एम ट्रेडिंग ऑफ uh, कोर्स आप जब डिमेट होल्डिंग करते हो जब डिलीवरी में लेते हो तो डेफिनेटली आप यहां से सेल कर सकते हो तो दिस आर ऑल आर द आवर डिमेट होल्डिंग ओके आपको ओपन पोजीशन से ही सेल ऑफ करना है दैट्स थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स मैं अगर आपको बताऊं दैट इज अ प्लेजिंग प्रोसेस यस फ्रेंड तो इसके ऊपर मैंने एक डिफरेंट वीडियो भी बनाया हुआ है तो जब भी आप एमटीएफ uh, एमटीएफ ट्रेडिंग करते हो राइट फ्रेंड्स तो आपको प्लेज करना बहुत जरूरी तो हाउ टू प्लेज तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है ओके फ्रेंड्स तो आप इसको किस तरह से प्लेज कर सकते हो तो आ, आ, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एमटीएफ में बाय करते हो तो उसको प्लेज करना कंपल्शन है बिकॉज अगर आप प्लेज नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका शेयर uh, जो आपने एमटीएफ पे लिए वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी तो आपको जब प्लेज करना होता है तो इसकी प्रोसेस सिंपल है आपको एनएसडीएल हेल्प से शाम को जिस दिन आपने ट्रेड लिया उसी दिन को शाम को छह बजे के बाद आपको एक मेल आएगा उसके अंदर एक लिंक आएगी एन एस डी एल की वो लिंक पे क्लिक करना है ओके फ्रेंड्स एंड जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक uh, एनएसडीएल का साइड खुलेगा उसके अंदर आपको पान कार्ड एंटर करना है पान कार्ड एंटर करने के बाद आपको जो पोजीशन आपने बाय की उसको सेलेक्ट करना है और कंफर्म करना है बाद में आपको एक ओटीपी आएगा ओटीपी एंटर करना है दैट्स अ कंप्लीशन ऑफ प्लेजिंग प्रोसेस ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन वन मिनट का प्रोसेस है जो आपको करना चाहिए अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली दूसरे दिन वो जो पोजिशन है आपकी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी तो दैट्स अ वेरी सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो तो यू विल रिसीव लिंक फ्रॉम और ओके, ओपन दिस लिंक एंड एंटर योर पान कार्ड एंड देन सिलेक्ट स्टॉक टू आपको जो सिलेक्ट दिया स्टॉक है उनको सिलेक्ट कीजिए देन जनरेट ओटी पे क्लिक कीजिए एंड प्लस कंफर्मेशन डन दट्स अ वेरी सिंपल एज सिंपल एज द प्रोसेस ओके फॉर द प्लेजिंग तो ये करना मत भूलिए जब भी आप एम टी एफ ट्रेडिंग कर रहे हो ओके okay, फ्रेंड्स और डिटेल में अगर डिटेल चाहिए अभी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप में हाईक कीजिए वी कैन गाइड यू एग्जैक्ट वे हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस ऑल फैसिलिटी होप यू लाइक दिस वीडियो होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड स्टील इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब द पिरामिड इन्वेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स मेट इन टू द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट